राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम जंगल और जनकपुर भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ की अनुमति से अपने साथ ले जाते हैं ताकि वे दोनों राक्षसी ताड़का का वध कर दें जो उनके यज्ञ में विघ्न डाल रही थी। राम और लक्ष्मण अपने शौर्य और पराक्रम से राक्षसी ताड़का का वध कर देते हैं। महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, प्रणाम मुनिवर, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? राम मुनिवर, महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहां से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहां विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। जो आज्ञा मुनिवर। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे, अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, मुनिवर, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूं। राजन, ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए
यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है, अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो ये धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते? विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, ये धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वो विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया। उसके दो टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। ये शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदन वार, एक एक घर से मंगल गीत, मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नजर राम को देख लें,
राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी दो पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने ये प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए। शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। ये आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार मंजू मैनी, नीरज शर्मा, विजय कुमार सिन्हा, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।